उत्तर प्रदेश के 86 टोल टैक्स से एक बड़ी खबर। असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट आता है, वो बताते हैं कि कुछ ही देर पहले चर्ची टोल गेट पर मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई गईं। 3 से 4 राउंड फायर हुए, 3 से 4 लोग मौजूद थे, सबके सब भाग गए और हथियार वहीं पर छोड़ गए। मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई, लेकिन मैं दूसरी गाड़ी जो मेरे पीछे चल रही थी सफारी गाड़ी में बैठकर मैं वहां से निकल गया। हम सब महफूज है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर है, जहां पर दिन दहाड़े टोल टैक्स पर जहां पर सीसीटीवी लगे होते हैं वहां पर AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर दिन दहाड़े गोलियां चलाई गई। तो ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है उत्तर प्रदेश पुलिस की। और असदुद्दीन ओवैसी ने न्याय की गुहार लगाई और कहा है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मैं न्याय की मांग करता हूं, और उन्होंने ये भी कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी न्याय की गुहार लगाई है। तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश से ये बहुत बड़ी खबर है। मेरठ से दिल्ली लौटते वक्त चर्ची टोल टैक्स पर असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर 3 से 4 राउंड फायर हुए हैं। वहीं उनके पीछे गाड़ी ने हमलावर कुचलते हुए सभी आरोपियों को, उनमें से एक आरोपी जो पकड़ा गया है उसको पुलिस के हवाले कर दिया है। ADG लॉरेंस ऑर्डर का कहना है कि हम इसमें जांच कर रहे हैं और हम जल्द से जल्द ही हमलावरों को गिरफ्तार कर लेंगे। पुलिस के द्वारा टोल टैक्स पर एक हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है और हमलावर से जो वेपन था वो बरामद हो गया है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी की लेफ्ट साइड में 3 से 4 गोलियों के निशान है। मौके पर पुलिस के अधिकारी और फोरेंसिक टीम भी पहुंची जो घटना की जांच कर रही है। ओवैसी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है कि हमलावर सहारनपुर नोएडा के रहने वाले हैं, जिनमें से एक का नाम सचिन बताया गया है। इसके पीछे कोई बड़ी ताकत है और ये लोग किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे, क्योंकि 2 से 4 आदमी ही हमलावर नहीं थे, इसके पीछे किसी बड़ी ताकत का हाथ है। तो आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट को, क्या कहना है असदुद्दीन ओवैसी का और साथ ही क्या कहना है ADG लॉरेंस ऑर्डर का और जो संबंधित अधिकारी है पुलिस के उनका क्या कहना है, देखते हैं इस खास खबर को। भैया मैं नुका रहा हूँ, अभी वकील साहब क्या कह रहे हैं हमसे, यार हमारी फोन का बहुत बड़ा रहना है, कोई मान लो मत चाहे दिल से चाहे कोई वोट मत दो। हाँ क्या याद हो हम कर दिया दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको पूरे भारत से जुड़ी लेटेस्ट खबरों की जानकारी मिलती रहे। वीडियो संबंधित किसी प्रकार की सहायता के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।